नमस्कार, प्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। मैं अवधेश कुमार पांडे, मंडल अध्यक्ष भगवानपुर, सह सांसद प्रतिनिधि, इस क्षेत्र के सम्मानित जनता को सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी तरफ से और माननीय सम्मानित सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी की तरफ से इस क्षेत्र की जनता को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सांसद द्वारा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए सदन में जो मांग की गई है इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। देखिए, बहुत दिनों के बाद इस महाराजगंज को एक ऐसा ईमानदार और सच्चा नेता मिला है जो इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम को रोशन कर रहा है। भारत के राजनीति में आज बीते जो दिनों में लोकसभा चला उसमें आप देखे होंगे कि ज्वलंत जो मुद्दा है, जो भी सदन में चल रहा था उसमें प्रत्येक में माननीय सांसद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और सदन से लेकर के और सड़क तक क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अनेक मुद्दे सदन में उठाए, वो चाहे महाराजगंज में हवाई अड्डा बने, इस क्षेत्र सारण कमिश्नरी में हवाई अड्डा बनाने की बात हो, चाहे गरीब देहात के किसानों को उनके आय को बढ़ाने के लिए, जिसे हमारे कि यहाँ जो देहाती नस्ल की गायें हैं लागत उसमें ज़्यादा पड़ता है और दूध कम देती है, इसलिए इस ख्याल से उसको लोग पालना पोसना कम कर दिए हैं, तो उन्होंने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जो अपने यहाँ के देहाती नस्ल है सहवाल, उसको उन्नत करने के लिए किस तरह उसका दूध का प्रोग्रेस अधिक बढ़े, अधिक उत्पादन हो दूध का, किसानों का आमदनी बढ़े, इसके लिए उन्होंने सदन में आवाज़ उठाया। आप बहुत सारे इस महाराजगंज लोकसभा की समस्या है उसका उन्होंने समाधान किया। आप सड़क की बातों को ले लें, अभी 10 दिन के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि लगभग 30 से 35 सड़कें का ये टेंडर होने जा रहा है। सड़कों का जाल बिछ गया है। इसके पहले जो 5 वर्ष का शासन जो उनका कार्यकाल बीता, बहुत वैसे क्रिटिकल मुद्दे जो थे जिनको कोई छूता नहीं था, सांसद ने उसका समाधान कराया। आपको बता दें, एक सोनधानी से मसरख की तरफ, भगवानपुर से सोनधानी होकर सड़क जाने वाली थी, जितने भी सांसद होते थे सब ने उसका वादा किया, लेकिन किसी ने समाधान नहीं किया। अगर समाधान बनवाया तो श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने बनवाया। आपको देखिए, सरकार अभी आपको जो शौचालय की योजना लेकर के आई है, हर घर 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 में शौचालय बनाने की, सांसद ने अपने निजी कोष से भगवानपुर वैसे बाजार में जहां महिलाओं को अगर किसी कारणवश शौच की आवश्यकता पड़ जाती हो तो उन्हें बहुत दिक्कत महसूस होता था, लेकिन सांसद ने अपने प्रयास से, अपने निजी फंड से वहां सामुदायिक केंद्र के साथ साथ शौचालय का भी निर्माण करके यहां के इस क्षेत्र की जनता और खासकर माँ बहनों को सम्मान देने का काम किया। अभी इस क्षेत्र में नौजवानों को अगर रोजगार देने की बात हो तो आप देखेंगे कि ITBP केंद्र की स्थापना करा करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार का अवसर उन्होंने पैदा किया। सड़कों का यहाँ पूरे महाराजगंज लोकसभा में हमें लगता है कि 5 साल जो समय और जो मिला है, इसके बाद तो एक सड़क कहीं मिलेगा ही नहीं बनाने के लिए। ये माने सांसद का विकास और इस क्षेत्र के लोगों के प्रति जो सांसद का लगाव है, रात दिन सांसद इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करते रहते हैं। सर, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद देश में जो माहौल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 370 हटने के बाद आज देश में जो स्थिति है, हमें लगता है कि आज देश में चुनाव हो जाए तो जनता इतनी खुश है, मोदी जी पर इतना विश्वास कर लिया है कि 400 से ऊपर सीट मोदी जी को मिल जाएगा जी। आज देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, हम महसूस कर रहे हैं कि आज ही भारत कश्मीर पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ है। इसके पहले अगर भारत का वहाँ झंडा नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू नहीं होता था, आज 370 हटने के बाद ही हम वहाँ तिरंगा फहराएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू होगा, आज ही तो पूर्ण रूप से ये हो गया, आज़ाद हुआ। और रहे नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए इस देश के किसी राजनेता या किसी पार्टी में दम नहीं है। पिछले चुनाव में चीन और पाकिस्तान, क्योंकि डायरेक्ट वो लड़ नहीं सकता था, इसलिए इस देश के विपक्षी दल के नेताओं को धन मुहैया कराकर, साधन मुहैया कराकर, इन प्राकेन इस देश में भ्रम की स्थिति पैदा करके नरेंद्र मोदी को लोग हटाना चाहते थे, लेकिन धन है इस देश की जनता,
जिन्होंने 5 साल के कार्यकाल को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देख करके और विश्वास देकर विश्वास जता करके और उनको प्रचंड बहुमत दे करके आज पुनः सत्ता में लाई है और उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी 300 चाहे वो 370 की बात हो 35 की बात हो या आने वाले दिनों में राम मंदिर की बात हो, इस देश में जितने भी ज्वलंत मुद्दा है चाहे वो 3 तलाक हो, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, सबका समाधान नरेंद्र मोदी के द्वारा ही संभव है। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।